किसानी संघर्ष दरमियान कल यानी कि 17 जनवरी तो एक खबर है जिहड़ी बड़ी ही तेजी दे नाल वायरल हो रही है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जिहड़े कि हरियाणा दे वड्डे किसान लीडर ने वड्डा चेहरा उन्हां दा इस संघर्ष दे विच उभरिया है, उन्हां नूं संयुक्त किसान मोर्चे ने कढ दिता है, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चे दे विचों गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं कढ दिता गया क्योंकि उन्होंने कल कुछ सियासी लीडरां दे नाल किसान संसद बिठाई सी। पर संयुक्त किसान मोर्चे का अज जो एक बयान आया है, जो एक स्टेटमेंट दिती गई है, उसनों असी सुना दें। संयुक्त किसान मोर्चे का स्पष्टीकरण लिखा होया कि संयुक्त किसान मोर्चा गुरनाम सिंह चड़ूनी बारे हेठ दिते नुक्त्यां नूं स्पष्ट करदा है। पहला यह है, संयुक्त किसान मोर्चे का चड़ूनी वल्लों सदी समुची सियासी पार्टियां दी मीटिंग नाल कोई संबंध नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सारियां सियासी पार्टियां नाल चड़ूनी दीआं चल रहियां गतिविधियां दा नोटिस लैंदिआं होइआं कल मोर्चे की मीटिंग विच विचार तो बाद एक कमेटी बनाई जो इस मामले की जांच करेगी ते अपनी रिपोर्ट 3 दिनों दे विच देवेगी। सो ये तो संयुक्त किसान मोर्चे का स्पष्टीकरण सी। ते हुण गुरनाम सिंह चड़ूनी ने की कहा इस बारे, क्योंकि मीडिया सारा मीडिया हुण गुरनाम सिंह चड़ूनी के दुआले होया होया कि तुसी अपना स्पष्टीकरण दिओ। उन्हां तो कुछ अजिहियां गल्लां कढवाउण दी भी कोशिश की जा रही है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी कुछ अजिहा बोल देण जिहदे नाल किसान लीडरां दे विच फुट है जिहड़ी ओह पै जावे। सो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति है जिहड़ी ओह साफ कर दित्ती है। जिवें संयुक्त किसान मोर्चे ने लिखा कि गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं किसान मोर्चे तो बाहर नहीं कढ़िया गया, बल्कि इस पूरे मामले की जांच लई एक कमेटी है जिहड़ी ओह बनाई गई है। चड़ूनी ने कहा कि मेरा मकसद अंदोलन नूं नुकसान पहुँचाउणा नहीं सी, मैं सियासी लीडरां दे नाल बैठक दे विच शामिल होया सी, पर इस मीटिंग विच जाण दा मकसद अंदोलन नूं नुकसान पहुँचाउणा नहीं बल्कि विरोधी धिरां नूं वी कानूनां दे खिलाफ खड़ा करना सी। यानी कि केंद्र सरकार दीआं जिन्नियां विरोधी धिरां ने उन्हां सारियां नूं इस संघर्ष दे खिलाफ खड़ा करना मेरा मकसद सी, पर इहदे विच होर कोई भी किसान लीडर शामिल नहीं सी। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे तो मैनू कोई भी मोर्चे दे विचों सस्पेंड करन दी कोई भी जानकारी नहीं मिली है, सिर्फ मैनू मीडिया तो ही खबरां मिल रही ने जो कि बेबुनियाद ने। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिशां चल रही ने ते मैं मंग करदा कि अफवाहां फैलाउण वालियां ते कार्रवाई की जाए। किसान लीडर शिव कुमार कक्का जिहदे बारे पत्रकारां ने सवाल पुछा कि शिव कुमार कक्का ने बयान दिता कि गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं मोर्चे दे विचों कढ दिता गया, तां गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि मैनू उहदा सबूत दिता जावे फिर ही मैं इस ते कोई गलबात करदा। जे शिव कुमार कक्का ने अजिहा कहा तां मैं मंग करदा कि संयुक्त किसान मोर्चा शिव कुमार कक्का दे खिलाफ कार्रवाई करे। मैनू किसी ने नहीं रोकिया कि मैं सियासी लीडरां नाल मीटिंग नहीं करनी, वह सिर्फ गल की गई सी ते गल असी किसी नाल भी कर सकते हैं। मेरा संयुक्त मोर्चे दे नाल जिस तरीके का चल रहा है प्रोग्राम उस तरह चलता रहेगा, मेरा कोई वक्खरा प्रोग्राम ना सी ते ना ही होगा। 26 जनवरी वाली परेड भी होएगी ते मैं संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल जुड़िया रहांगा। तो जे संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर जिन्हों लगता है कि मैं कुछ गलत किया जो मैं बुलाते हैं तो मैं अपना स्पष्टीकरण देने दे जा सकता हाँ। जी कमेटी बनाई है वो बारे भी चड़ूनी ने कहा है कि इस मामले की जांच लिए संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर ने एक कमेटी बनाई है तो मैं ये कोई इतराज़ नहीं है, वो जांच कर सकते हैं। सो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस के कहा वो असं सुन लें। मैं थोड़ा जहाँ पिछे तो लैके दस इस अंदोलन के साडा मकसद है भी ये अंदोलन असी जीतीए, सारे संगठनों का सारे देश के किसानों का जिहड़ा मकसद है वो ये है भी ये अंदोलन आपां जीतना है, हार के नहीं जाना। अंदोलन जीतण वास्ते अलग अलग विचारधारा हो सकती है, कोई गर्म दल का हो सकता, कोई नरम दल का हो सकता है। विचारधारा तो शहीद भगत सिंह तो गांधी की भी नहीं सी मिली, पर मकसद तो देश को आजाद कराना सी। इस तरह जिहड़े साडे तो सैकड़े संगठन ने विचारधारा नहीं मिलती, पर जिहड़ा साडा सोचना सी जिहड़े पिछे इल्जाम आया भी ये राजनेता दे नाल मीटिंग की है ये हो गया, वो इस तरह का बवाल खड़ा करता भी जिवें मैं राजनेता नाल मिल के कोई षडयंत्र करता, ये करता असलीयत गल सामने नहीं रखी। ये जिहड़े कोई साढ़े तो जाते लोग ने उन्होंने कोई षडयंत्र रचता कौन ने नहीं पता, पर जिहड़ी गल है वो ये है कि भी ये एक कमेटी सी समाज सेवी लोगों की जिद 10-12 लोग ने यात्री जी बैठे ने गोपाल दास जी बैठे ने प्रशांत भूषण जी हुणे आए सी वो विच ने, ये 10-12 लोगों की कमेटी है। वो मेरा भी एक नाम उन्होंने पा लिया बी
जिहड़े राजनीतिक लोग ने वोट तो उन्होंने लैनी है, राज तो राजनीतिक लोगों ने करना है, तो राजनीतिक लोग इस टाइम घर बैठे ने। आपां उन्हां दे विचार भी जाणीए भी ओ जिहड़े ने ओ उन्हां दी राय देश दे अगे की है, ओ इन्हां कानूनां दे खिलाफ ने या इन्हां कानूनां दे पक्ष च ने। राजनेता तो सरकार होर ज़्यादा डरती है क्योंकि वह वोट टुट के उधर जाएगी, अभी तो वोट का नुकसान नहीं करना, वोट का नुकसान तो राजनेता ने करना। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई मिलके, तो फिर मैनू भी इन्होंने संपर्क किया भी तुम भी जड़ा है कम तो कर ही रहे हो, शामिल हो जाओ, तो मैं उस कमेटी शामिल हो गया। तो वह जरा सारे राजनीतिक ग्रुप इकट्ठे किए, उन्होंने मकसद से भी तुम अपनी वक्री एक कॉन्फ्रेंस करो या जो भी उन्होंने जनसंसद करो, सारी राजनीतिक पार्टियां तुम बुलाओ, जोड़े नहीं आए उन्होंने भी तुम बुलाओ, उन्होंने बुला के जोड़ा ये कानून ने इन दे प्रति पूरी गल देश के अगे रखो। तो उस चीज़ में उन्होंने ये तोड़ मरोड़ के ले लिया भी राजनेता दे विच आने नहीं सी, तुसी क्यों बुलाए। मैं स्पष्ट करना चाहांगा कि वह राजनेता असी इस अंदोलन दे विच नहीं बुलाए, बिल्कुल सारिया का जोड़ा मत सी वह यह भी ये इस तो किनारे रहना जी कमेटी बनी 10-12 बंद की, बई इस अंदोलन दे विच कोई दखल नहीं, कोई नेता स्टेज पर नहीं आएगा, कोई नेता ये शामिल नहीं होएगा, वह नेता अपना वखरा किते भी जगह देख के दिल्ली के अंदर अपना सैमीनार करन, अपना सैमीनार करके वह भी लोगों के अगे सरकार के अगे अपनी मंग रखन के भी वह किधर ने, क्योंकि 35 वोट जीतने वाले कोल है, जे हारन वाले की सारी गिनी है तो 65 वोट है, 65 वोटों की भी तो वैल्यू होंगी है ना, तो वह गल देश के अगे रखन। खाली इन्ना मैटर सी हूँ वह बवंडर बना के, क्योंकि कई विरोधी भी होंगे ने, कई जलन पैदा भी हो जाती है, वह बवंडर बना के ये करता भी जिमें इन्हें बड़ा अपराध करता राजनीति नाल मिल लिया अंदोलन जिमें बस हूँ बेच देगा, इस तरह का ड्रामा खड़ा करता। तो इस तरह ड्रामा खड़ा करके हूँ मेरे को जी खबर आ रही ने, अधिकारिक तो कुछ भी नहीं आया, पर जी खबर आ रही है वो एक तो अखबार जी मैं पढ़ी सवेरे वो शिव कुमार कक्का के नाँ तो लगी है, पर शिव कुमार कक्का का बाद वीडियो आया कि यह मैं खबर दी नहीं, मैं यदा खंडन करता वा, मैं ये कहा नहीं, तो जिन्हें पत्रकार ने लाया है उस पत्रकार के खिलाफ मैं कार्रवाई करांगा। पर एक बार फैलते गई जवाब तो देना पै गया, तो वो वीडियो आई वो लगेगी कि नहीं लगेगी, उहदी वो वक्री गल होगी, या जे लगेगी भी उहदी एड्डी खबर लगेगी सवेरे एड्डी खबर लगी है, ये हुंदा है बदनाम करन दे षडयंत्र। दूजा जो मेरे को मैटर आया है भी उन्होंने ये कहा तुहानू सस्पेंड करता, ये किने कहा कितों कहा, ये किसी मीडिया वाले को जवाब नहीं उन्होंने। मैं बेनती करा जो उन्होंने सानू ना दसे जान तो मैं फिर ना दसो ना दे ता... नाम दस रहे, मैं नाम दस रहे जी शिव कुमार कक्का जी ऑन रिकॉर्ड बाय ऑन रिकॉर्ड ये गल कही है कि जो गुरनाम सिंह चडूनी जी ने उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक बार सस्पेंड कर दिया गया, 3 मैंबरी एक कमेटी बनाई गई है, वो 3 दिन के अंदर जे अगली उन्होंने सामने पेश होकर फैसला लेना होएगा, और वो कमेटी दसेगी कदों पेश होना ज चडूनी जी दसनगे, ऑफिशियली स्टेटमेंट है, ऑफिशियली स्टेटमेंट है। तो मैं किसान मोर्चे को कहांगा कि उस पर कार्रवाई कर, क्योंकि किसान मोर्चे का फैसला यह सी भी बाहर कोई गल नहीं करनी, जे कोई बाहर मार्केट के गल गई, क्योंकि मैंने तो पूछे ही नहीं ना, जे मैं पूछने तो बात करो ना जो करते हो, मैं तो जो पूछे ही नहीं गया, मैं बिना पूछ वो कोई फैसला लेंदे ने वह गलत है, तो कोर्ट भी पूछती है। तो दूजा मैं ये गल कहांगा भी संयुक्त मोर्चा जो ऑब्जैक्शन सी, तो संयुक्त मोर्चा मैं आर्डर कर देता भी उत्थे नहीं जाना, नहीं नहीं मैं संयुक्त मोर्चे की गल कर रहा वा, संयुक्त मोर्चे वालों मैं कोई नहीं कहा गया, समझा गल करनी होर चीज होंगी, आर्डर करना होर चीज होंगे, समझा समझा राय करनी होंगी, राय ठीक भी हो सकती है, राय गलत भी हो सकती है, जे ऑन रिकॉर्ड बयान है तो फिर ये बिल्कुल गलत है, ये ना तो उन्होंने अपने प्रेस नोट च लिखे है ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के है, जे कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जे उन्हें कहा है तो वह दोषी है, अंदोलन तोड़न का दोषी है, अंदोलन तोड़न के दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जे जे क्योंकि मीडिया के बयान जाने का मतलब होंगे अंदोलन ठेस पहुंचाने, अंदोलन तोड़ना,
किसी की इज्जत को खराब करना, तो किसी की इज्जत खराब करनी छोटी गल नहीं होंगी। फिर मैं मंग करांगा, मीडिया के राही मंग करांगा, उंज भी करांगा भी जिन्हें फिर ये कार्रवाई की है उसते कार्रवाई होनी चाहिए। देखो हो सकता उस तो पहले मैं बुला लेन, हाले तक की जी घटना है हाले तक मैं बारे ज्ञान ही नहीं है, हाले तक तो मैं जावगा, हाले तक का जो सवाल है क्योंकि मैं पता ही नहीं, हाले तक तो मैं जावगा, उन्होंने वालों कोई ऑर्डर आएगा फिर देखा। मेरी विचारधारा यह सी भी जे राजनेता कट्ठे हो के स्टैंड लेंदे ने, राजनेता कट्ठे हो के एक अपनी गल देश के अगे रखते हैं तो यह बड़ा व्डा हाईलाइट होएगी गल, ओदा अंदोलन नू फायदा होएगा, ओदा देश नू फायदा होएगा, उन्हां दी विचारधारा हो सकती है तो देश नू नुकसान होएगा, अंदोलन नू नुकसान। देखो गलत वह हुंदा है जे अंदोलन दे विच कोई गलत काम करता जाए जिहदे नाल अंदोलन नू ठेस पहुंचे, वह गलत काम हुंदा है। जिहदे नाल अंदोलन नू फायदा हुंदा होए जे उहनू भी गलत मन्निया जाए फिर बहुत गलत है। राजनेता नू इकट्ठे करके ते उहनां नू कहना भी तुसीं गल ठाओ, यह मेरी समझ दे विच इह है भी इहदा देश नू फायदा होएगा, इहदा किसानां नू फायदा होएगा, उन्हां दी सोच हो सकदी है। नहीं नहीं मनाउण नू मैं उठिया कदों, मनाउण नू मैं उठिया कदों, मैं ते कहा भी जे वह मैनू पहला कहिंदे कोई मता पास कर दे संयुक्त मोर्चे दे विच भई गुरनाम सिंह तू नहीं जाना, मैं जाना ही नहीं सी, हुण कह देणगे मैं हुण भी नहीं जाऊंगा। जिहड़ी 23-24 नू दुबारा जन संसद रखी उहदे च जाऊंगे कि नहीं? नहीं उहदे च जिहड़ा है मैं इहनां हालातां जाणा ठीक नहीं समझदा क्योंकि अंदोलन ना टुटे, अंदोलन ना टुटे, अंदोलन सब तो पहला साडे वास्ते जरूरी है, जिहड़ी चालां चल रही है इन्हां नू कट्टणा सब तो पहला जरूरी है। बई जे अंदर गल होर हो रही है बाहर निकल रही है कोई ना कोई तो चल ही रहा है, किसी ना किसी की कीती हुई है गड़बड़, जे अंदर की गल मीटिंग की गल मीडिया च आ रही है ठीक है फिर किसी ना किसी तो चाल चली है। जिमें जिमें 26 जनवरी नेड़े आ रही है उमें उमें किसान लीडरां दे विच फुट पाउण वालियां जिहड़ियां गल्लां ने वह भी सामने आ रही ने, ते असीं अपील यही करांगे द खालस टीवी दे वल्लों क्योंकि वड्डा संघर्ष है, इतिहासिक संघर्ष है, मोर्चा जिहड़ा उह बड़े वड्डे तरीके दे नाल सफलता दे नाल अगे चल रहा है, तो इस दरम्यान अजिही किसी भी गल तो बच के रहना चाहिए जिस दे नाल संघर्ष नूं ढा लगे। जे गुरनाम सिंह चड़ूनी किसी भी सियासी पार्टी दे नाल मीटिंग करते हैं तो बनता है ये पहला जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे की सारे लीडरां की जिम्मेवारी बनती है कि बह के पहला आपस के गल कर फिर ही मीडिया के कोई गल है जी भेजी जाए क्योंकि मीडिया हैगा जिहड़ा वह TRP लैन के चक्कर के ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर के हर गल नूं बड़ी ही तेजी के नाल उछालदा है, तो लोगों दियां तां पूरी दुनिया दियां इस संघर्ष से नज़रां टिकिया हुई ने, तो मोर्चे नाल जुड़ी हर खबर नूं सुनना लोग पसंद करते हैं। सो जिम्मेवारी सब की बनती है, गुरनाम सिंह चड़ूनी की भी बनती है, तो इस तरीके नाल हर किसान लीडर की जिम्मेवारी बनती है कि अजिही किसी भी गल तो बच के रहा जाए जिहदे नाल फुट पैंदी है। बलवीर सिंह राज्यवाल ने भी साफ कर दिता है, मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कि साडा मसला है असी हल कर लवेंगे। धन्यवाद।